किसने दरवाजा तोड़ा मोहल्ले वालों ने, अंदर अंदर कैनी पड़ी थी, पेट्रोल हुआ, आग लगी हुई, जल गई थी, उसको बाहर निकाला। जैसे वो बाहर निकाला, मोहल्ले वालों ने वहाँ से चादर ली, बैठ गई, इसको उसमें डाल के ले जाते हैं। उसकी माँ है, लड़के की माँ है, चादर छीन ली, कोई नवी चादर है हमारी ये नहीं लेनी। मतलब कैसी जालम दुनिया ये। तो कहने लगी नई चादर है, नई चादर हाँ यार दी हुई है, मतलब वहां से छीन लिए उनसे। लड़कों ने बाद में अपने घर से चादरें वगैरह ला के इसको लपेट के लाए। अच्छा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्या कहूँ, कहने को अल्फाज ही नहीं है। इससे ज्यादा जिंदगी हमने कभी नहीं देखी। जब भी किसी जन के अपने रिश्तेदार में कहीं कोई बच्चा पैदा हो जाता तो ये उस वक्त ज्यादा जन के टांड करता था कि लोगों के एक एक साल में बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बच्चे होना कोई अपने हाथ में थोड़े होता। परेशानी उनको इस बात से थी कि 9-10 साल शादी को हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और पिछले 1.5 साल से जब एक बार जब वो इधर थी, जब उसका ट्रीटमेंट हुआ था, बच्चा आवास कराना पड़ा उस वजह से कि ट्यूब में चला गया था बच्चा, तो ट्रीटमेंट इधर से ही करवा रहे थे, तो उसने बोला हमारे घर में कोई देखभाल नहीं कर सकता इसकी, तो आप इधर ही रखो। क्या हालात रहे होंगे, किन हालात में इन दो भाइयों ने अपनी बहन की शादी की होगी। शादी को लगभग 10 साल गुजर चुके और शादी के 10 साल के बाद किन हालात में एक 33 वर्षीय महिला को खुद के ऊपर, जैसे बताया जा रहा है कि उन्होंने पेट्रोल खुद के ऊपर छिड़का और खुद को आग लगा दी। ये उस परिवार का कहना है जहां, जिस परिवार में सोनाली गुप्ता की शादी हुई थी। क्या हालात बने, मेरे साथ उनके दोनों भाई हैं, कुछ थोड़ा सा इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज आखिरकार किस तरफ जा रहा है और लड़कियों के लिए शादी के बाद की जिंदगी कितनी आसान या कितनी मुश्किल आज 21वीं सदी में भी है। यानी साल 2023 चल रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है, इस बदलाव के बावजूद आज भी एक पढ़ी लिखी महिला को के साथ अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो ये बहुत कुछ हमारे समाज के बारे में बताता है। मेरे साथ उनके भाई हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि शादी कब हुई थी? सर 9 साल हो गए शादी हुए। 9 साल हुए। जब आपने शादी की, उस समय कोई डिमांड या कोई दहेज के लिए उनने कहा हो या आपसे कोई डिमांड की? नहीं, डिमांड तो कोई नहीं की, मगर जो चीज़ लो तो ना कोई नहीं लेते जा रहे थे। जो चीज़ आप लेते थे, कभी आपकी बहन आपको ये बताती थी कि मुझसे ये मांगा जा रहा है, मुझसे ये मांगा जा रहा है, किसी चीज़ के लिए मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है शादी के बिल्कुल शुरुआती सालों में? नहीं, मांग ये कोई डिमांड नहीं की, मगर फिर भी अगर उसके बाद फ़ोन होता, फ़ोन चाहिए था उसको, फ़ोन नहीं दिया उसने लेके। जब मैंने फ़ोन लेके दिया तो वो उसने फ़ोन कहता है हमें नहीं चाहिए, वापस दे दिया दुकानदार को, वापस दिया और अपने से और थोड़े पैसे डाले और नया फ़ोन ले लिया। कहते उसका कहने का मतलब कि फ़ोन मैंने लेके दिया, हमारी कोई इमेज नहीं रखी उसने इस हिसाब से था। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो आज हुआ है इंसिडेंट, कितने दिन पहले ये हुआ और आपको इसकी जानकारी कब मिली? ये हुआ 17 हाँ, हफ्ता हो गया, हाँ बुधवार को हुआ, कुछ 4:30 बजे मुझे पता लगा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कैसे आई आपके पास? ये मेरी मिसेस ने बताई मुझे और उसको खुद ही फ़ोन किया मेरी मम्मी को। किसने फ़ोन किया? उसके हस्बैंड ने। क्या बोला? कि आपकी बेटी आग लगी है, आग लगा ली उसने। क्यों आग लगाई, कोई वजह बताई कुछ? ये नहीं बताया उसने, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद GMC चले गया? हाँ जी। तो GMC में 7 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। कोई बातचीत हुई आपकी बहन के साथ? बहन थोड़ी इशारों में बात कर रही थी। इशारों में बात कर रही थी। अच्छा, हाँ जी। क्या कहा उसने? कि मुझे बड़ा तंग करता था, रोज ताने मारता था और सास भी बड़ा तंग करती थी। ताने क्या मारता था? मतलब कि जहाँ अपने, अगर अपने मायके जाएगी तो वहीं पे रहना, वापस दोबारा आना यहाँ पे, अगर फ़ोन करना है तो तेरे भाई यहाँ क्या लेने आते हैं, तेरी माँ यहाँ क्या लेने आती है, ऐसे ऐसी बातें, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता था। जवाब क्या था? ये ले, ये उल्लू की पट्टी का फोन आया है, मम्मी को उल्लू की पट्टी बोल रहा है। जिस दिन कहाँ ये केस हुआ, किसने दरवाजा तोड़ा मोहल्ले वालों ने, अंदर अंदर कैनी पड़ी थी, पेट्रोल हुआ, आग लगी थी, जल गई थी, उसको बाहर निकाला। जैसे वो बाहर निकाला, मोहल्ले वालों ने वहाँ से चादर ली, बैठ गई, इसको उसमें डाल के ले जाते हैं। उसकी माँ है, लड़के की माँ है, चादर छीन ली, कोई नवी चादर है हमारी ये नहीं लेनी। मतलब कैसी जालम दुनिया ये।
कहने लगी नई चादर है, नई चादर हास या हरदी भी है, मतलब वो हास छीन लिए उनसे घर पर से, बाद में अपने घर से चादरें वगैरह ला के इसको लपेट के लाए। अच्छा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्या कहूँ, कहने को अल्फाज ही नहीं है। इससे ज़्यादा जिंदगी हमने कभी नहीं देखी है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उनमें। और उस दिन भी हमारी दीदी शुगर की पेशेंट हैं, उनको यही होता था, हाँ भाई लड़की का एक या दो बार दिन को फ़ोन आ जाए। इसका कोई महीना पहले दुकान से ही फ़ोन चोरी हो गया, उसके बाद ज़्यादा टेंशन हुई। वो बोलती थी मम्मी आप फ़ोन मत किया करो, वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करता है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद फ़ोन कर दिया करूँगी। उस दिन अगर कार रिकॉर्ड चेक किए जाएं तो सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक कम से कम 10 बार दीदी ने फ़ोन किया, क्योंकि उनको टेंशन रहती थी, हाँ भाई मेरी बेटी परेशान है। तो लेकिन उसका एक यही था, हाँ मम्मी टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। वो जाने के अपने मायके वालों को यही बताती थी हमेशा, पॉजिटिव रिस्पांस ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ये नहीं था पता कि इतना बोल्ड स्टेप। और जिस दिन हम उधर पहुँचे तो लड़के का स्टेटमेंट ये था, मैंने पूछा लड़के से, मैंने बोला राजू जी क्या चक्कर हुआ, तो बोलता है जी ऐसे कुछ भी नहीं है, उसने खुद पेट्रोल फेंका। मैंने बोला इतनी क्या वो हो गई थी कि कोई लड़ाई हुई थी या क्या? बोलता है मैंने खाना नहीं खाया था, उस वजह से जो नाराज थी मेरे से तो पेट्रोल फेंक दिया। उस वक्त मैं दुकान में नहीं था, मैं बाहर गया था कोई सामान लेने। बोलता है मेरे पास गवाह भी है, जो बंदा उसी वक्त गवाह भी बता रहा है कि मैं रिक्शा जिस रिक्शा में गया उसी रिक्शा में 5 मिनट में वापस आ गया। इस चीज़ की हम कैसे गारंटी ले लें कि हो सकता है उसी ने फेंका हो, जो पहले दिन ही ये बता रहा है मेरे पास गवाह भी है रिक्शे वाला, जो मुझे लेके गया उसी के सामने मुझे फ़ोन आया मैं वापस आ गया। लेकिन मैंने ये भी सुना कि 4-5 दिन से वो पेट्रोल की कैनी घर में पड़ी हुई थी, तो पेट्रोल की कैनी घर में रखने की क्या ज़रूरत है? मिट्टी का तेल तो समझा जा सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि पुलिस ये इस चीज़ का पता लगाए, पेट्रोल की एक बॉटल भी अगर पेट्रोल पंप से लेने जाओगे नहीं मिल सकती। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने रखा होगा 0.5 लीटर घर में रखता है, हाँ भाई ऑन स्पॉट अगर कभी स्कूटी में याद ना रहे या एमरजेंसी पड़ जाए कहीं जाना पड़े ना हो तो चलो एक बॉटल बंदा रख लेता है, लेकिन 5 लीटर की कैनी वो रख। और 5 लीटर पेट्रोल दिया किसने, किस पेट्रोल पंप से उनको 5 लीटर पेट्रोल कैन में मिला? वो पूछा मैंने उसको, मैंने पूछा भाई तेरे पास पेट्रोल कहाँ से आया? बोलता है वो मेरा कोई दोस्त है पुलिस में तो उसने दिया मुझे 5 लीटर पेट्रोल, मैंने रखा था अपने मोटरसाइकिल में डालने के लिए, फ्री में मिल रहा है तो मैं मोटरसाइकिल में डालूंगा, ये उनने कहा। और उसके बाद पड़ोसियों ने आपको बताया कि कभी उन्होंने मारपीट उनके इनके साथ की हो या कभी कोई ज्यादती की हो? मोहल्ले वालों से यही जानकारी मिली कि पिछले 4-5 दिनों से रोज़ इनके घर में लड़ाई हो रही थी रात को। जब भी किसी जन के अपने रिश्तेदार में कहीं कोई बच्चा पैदा हो जाता तो ये उस वक्त ज़्यादा जन के टांट करता था कि लोगों के एक एक साल में बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बच्चे होना कोई अपने हाथ में थोड़े होता है। अगर भगवान जन्म और मरण भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं, अगर ये भी अगर इंसानों के हाथ में हो जाए तो फिर भगवान का क्या काम है? यानी असल परेशानी उनको इस बात से थी कि 9-10 साल शादी को हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और पिछले 1.5 साल से जब एक बार जब वो इधर थी जब उसका ट्रीटमेंट हुआ था, बच्चा आवास कराना पड़ा उस वजह से कि ट्यूब में चला गया था बच्चा, तो ट्रीटमेंट इधर से ही करवा रहे थे, तो उसने बोला हमारे घर में कोई देखभाल नहीं कर सकता इसकी, तो आप इधर ही रखो। इधर रखी थी उस वक़्त सबसे बड़ा मसला उस वक़्त ये स्टार्ट हुआ, वो अपने दोस्त के साथ आया शराब पी के। अच्छा, शराब पी के आया था, उसको होश ही नहीं थी बात करने की भी, तो इधर आके गेट खड़खड़ाने लगा, लड़कों ने देखा रात के वक्त कौन आया है, जब देखा तो उसके साथ और दोस्त भी था कोई, तो इन्होंने बोला आप इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हो, हमारी फैमिली है रिस्पेक्टेड फैमिली से हम, आप चले जाओ बाहर। उसी बात पर उसने गुस्सा मनाया, देखो जी मेरी दोस्त के सामने बेइज्जती की। लेकिन आप ये बताओ एक 80 रिस्पेक्टेड फैमिली वाला बंदा ये बर्दाश्त कर सकता है? इन्होंने ये भी कहा अगर आप अकेले होते तो चलो हम आपको दूसरे कमरे में सुला देते,
लेकिन दोस्त के साथ आने का क्या मतलब है। उसी बात से नाराज़गी हुई मैंने जी, उसने बोला देखो जी मुझे गालियाँ निकाली, उन्होंने बोला गालियाँ निकाली नहीं है, हम रिस्पेक्टफुली आपको कह रहे हैं आप चले जाओ, इस वक्त आप होश में नहीं हो। उसी बात का इशू बनाया था। उसके बाद इसने ससुराल वालों से बोलना ही बंद कर दिया, ना जे इधर आता था। लड़की जब कभी आने के लिए बोलती थी तब भी यही बोलता था, अगर जाएगी तो फिर वापस मत आना, लेकिन वो फिर भी बोलती थी मैंने तो जाना है, मेरी रिश्तेदारी है। जब भी आती थी झगड़ा करके ही आती थी, वो बोलती थी मैंने जाना है, जब ज़रूरी है मैंने जाना ही जाना है। लेकिन ये नहीं था पता कि इस तरह का वो होगा। मैं बस प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जितना भी हो सके ऐसे बंदों को, ऐसे जाहिल बंदों को, ऐसी फैमिली को सोसाइटी से बाहर करना चाहिए, और इनकी पूरी फैमिली को अंदर करके ऐसा सबक देना चाहिए ताकि कल को कोई भी फैमिली, अगर ज़रूरी नहीं है एक बंदा कर रहा है तो बाकी फैमिली अलग है, अगर फैमिली का मेंबर है तो उसको पता तो है भाई ऐसा हमारे घर में अत्याचार हो रहा है, क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता बड़े भाई का, जाओ और कोई रिलेटिव उनका फ़र्ज नहीं बनता भाई अगर हमारे रिलेटिव में हमारे घर में ऐसा हो रहा है इनको समझाएं। अब आ जाते हैं रिश्तेदारी निभाने, हाँ जी हमने ये करना है, अभी बोल रहे थे हाँ जी संस्कार हमने अपनी रीति से करना है, हमने बोला संस्कार तो आपने 65% तो आपने पहले का कर दिया, अब जो बका है वो हमारे हिस्से का, इसमें हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कल को ऐसा ना हो आपकी फैमिली के उधर बंदे आए और कोई अगर मारपीट हो जाए क्योंकि गुस्से में होते हैं सारे, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, वो आप अपनी जिम्मेवारी पे आना, लेकिन हम बॉडी आपको नहीं सौंपेंगे। परिवार ने कभी लड़की के साथ बात की, लड़के के साथ बात की, उसको समझाने की कोशिश की कि बच्चा होना नहीं होना ये तो भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो है नहीं, ये समझाने की कभी कोशिश की, कभी परिवार ने मध्यस्थता की, कभी परिवार बैठा? हाँ, इन्होंने चियानपुर बाबा लाल जी नहीं है उधर भेजे उनको इलाज कराने के, उन्होंने मतलब 100% है बाबा लाल जी के जो औलाद होती है बाल मिलता है, उन्होंने बताया कि 40 दिन परहेज करना, खाना गलत चीज़ नहीं खानी ना पीनी, इन्हें आते ही शराब मीट शुरू, फिर क्या परहेज करना, उधर बाबा जी गुस्से होते हैं, मतलब ऐसे आदमी को मैं कह रहा प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना अच्छा आपने शुरू किया, ऐसे जालिम को पेट्रोल फेंको इनको जलाओ, पहन मेरे से यही निकला। और ये भी नहीं था कोई अनक्वालिफाइड थी, लड़की ने बिलीव किया है, ग्रेजुएशन किया है, एमए की है, उसके बाद भी फिर भी वो फैमिली को असिस्टेंस कर रही थी, जब इसके ससुर की डेथ हुई तो उसके बाद उसकी दुकान थी, तो उसने बोला चलो ऐसे भी काम है तो चलो मेरा भी मन लगा रहेगा, उसने दुकान खोली। आज की डेट में उस मोहल्ले में जाके अगर आप किसी से भी पूछोगे वो बोलते थे इसने दुकान इतनी चलाई थी कोई हिसाब ही नहीं था, 7-8 हज़ार रुपया रोज़ की सेल करती थी प्रोविंस। अच्छा,